कोयले तैयार नहीं कर रहे क्या? सारी स्मेल आ रही है इसमें कच्चे कोयले। खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसके 22वें बाप की 34वीं आयत से सुनेंगे। उस वक्त जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वो जमा हो गए और उनमें से एक आलमे फिकिया ने आजमाने के लिए पूछा, ऐ उस्ताद, शरीयत में बड़ा हुक्म कौन सा है? यीशु ने उससे कहा कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से प्यार कर। बड़ा और पहला हुक्म यही है और दूसरा जो उसकी मानिंद है यह है कि तू अपने हमसाये को अपनी मानिंद प्यार कर। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरातें और सहाफे अंबिया का मदार पूरा किया गया है। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। तशरीफ रखें। मसीह खुदावन में मेरे अजीज भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, एक बार फिर खुदा ने हमें यह मौका अता किया कि हम उसके कलाम के मुताबिक इन बातों को सुन सकें, सीख सकें, जो आपकी और मेरी जाती जिंदगी में बहुत ही अहमियत का हामिल है। आज फकीर और फरीसी यीशु से सवाल करते हैं कि सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है। आज जब हुक्म के बारे में बात की गई है तो आपने और मैंने भी जो बचपन से सुनते आ रहे हैं उसमें जिस बात का अक्सर तस्करा किया जाता है कि खुदा ने हमें कितने हुक्म दिए। लेकिन इन 10 हुक्मों से पहले भी यहूदियों के पास कुछ अपने भी हुक्म थे, कुछ कवानीन थे, कुछ रवायात थी और कुछ ऐसी बातें थी जिन्हें वो अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, बनाने के लिए और उसे बेहतर तौर पर अंजाम देने के लिए तैयार कर चुके थे। आज जब इस बात पर गौर खोज की जाती है तो पहला सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास जो हुक्म है वो आए कैसे? हम सिर्फ मूसवी शरीयत को जानते हैं और उस शरीयत के अहकाम के बारे में सुनते हैं, लेकिन याद रहे कि जब खुदा ने इंसान को खल्क किया, उसे बरकत दी और बरकत देके कहा कि फलो, बढ़ो, जमीन को मामूरो, महकूम करो, लेकिन जैसे ही इंसान बढ़ना शुरू हुआ तो हमारे पास दो सवाल पैदा ये होते हैं कि जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो खुदा ने उन्हें कवानीन तो नहीं दिए थे, फिर वो कवानीन कहां से आए? फिर दूसरी बात, अगर उन्हें कवानीन नहीं दिए तुम्हें रहन सहन का तरीके कार कैसे आया? तो अगर तारीख के बारे में मुताला किया जाए तो तारीख इस बात की गवाह है, तारीख इस बात से हमें तैयार करती है कि जैसे ही इंसान बढ़ना शुरू हुआ तो उसने अपने लिए अल्फाजों का चुनाव किया। पहला कि इंसानों के पास से बोलने के लिए हाँ, ना, अच्छा, ये ऐसे अल्फाज होंगे, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ना शुरू हुए और खुदा के वो हुक्म के मुताबिक कि फलो, बढ़ो, जमीन को मामूरो, महकूम करो, उसको बनाने के लिए भी कुछ ना कुछ तो चाहिए। अब वो जब चाहिए तो उसके लिए अल्फाज बहुत जरूरी है। अगर हम अपने बच्चों को देखें तो बच्चों को सबसे पहले कौन सी क्लास में भेजते हैं? प्रेप में भेजते हैं, नर्सरी में भेजते हैं और आज के जदीद दौर के अल्फाज के मुताबिक मॉन्टेसरी में भेजते हैं। और मॉन्टेसरी में क्या करवाया जाता है?
कि बच्चों को साउंड सिखाए जाते हैं, बच्चों को अल्फाजों का चुनाव सिखाया जाता है, अलिफ कैसे लिखना है, बे कैसे लिखना है, ए कैसे बोलना है, बी कैसे बोलना है, एक दो तीन कैसे इस्तेमाल होगा, ये बच्चों को साउंड के जरिए सिखाया जाता है। और ऐसे ही जैसे इंसान बढ़ना शुरू हुआ तो उसके पास भी तो कुछ होना चाहिए था, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने अपने लिए खुद ही अल्फाजों को बनाना शुरू किया। और जब पहला अल्फाज बनाया गया तो वो जीरो से शुरू हुआ, और जीरो से जैसे उन्होंने इसके अंदर तफरीक करना शुरू की, जैसे जैसे बढ़ना शुरू हुए तो फिर उनके पास अल्फाज आना शुरू हुए, और जैसे अल्फाज आना शुरू हुए तो फिर जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं, तकवीन, खरूज, एबाद, अदद, तस्निया, शरा, पहली पांच किताबों में कवानीन के बारे में बयान किया गया है, रवायात के बारे में बताया गया है, रहन सहन के तरीकेकार बताए गए हैं, और तकरीबन 613 अहकाम उन फकीहों और फरीसियों ने अपने लिए तैयार कर लिए हुए थे। यहूदियों के पास छोटे छोटे ख्यालात आ चुके हुए थे। जैसे आपको पता है अक्सर घरों में जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उन्हें यस और नो भी सिखाते हैं, अच्छा और बुरा भी सिखाते हैं, ऐसे ही यहूदियों ने अपने लिए दो अल्फाजों का चुनाव किया, यस और नो, नहीं और हां के बारे में बयान किया गया। और फिलिपियों की कलीसियाओं के मुताबिक, तसालोनीकियों के मुताबिक भी इस बात को वाजह तौर पर बयान किया गया है कि तुम्हारी हां हां हो और तुम्हारी ना ना हो। वो क्यों होगा, अब इनके बारे में थोड़ा सा ख्याल सुन लेते हैं। तकरीबन 613 अहकाम थे, उनमें से 365 अहकाम ऐसे थे जिनमें ना का जिक्र किया गया है। खून ना करना, चोरी ना करना, जना ना करना, दूसरे के बारे में बुरा ख्याल ना रखना, ये ना के हुक्म तकरीबन 365 बार इस्तेमाल हुए। और हमारे पास साल के कितने दिन हैं? 365 दिन ही ना के, हां का नहीं है। और बाकी जो अहकाम है उनमें हां का जिक्र किया गया है, उसमें यस के बारे में बात की गई है। अब याद रखें कि 365 ज्यादा है और जो बाकी वो थोड़े हैं, तो हमें नाम के बारे में ज्यादा सिखाया गया है। और अगर आप जब इन 10 अहकाम को भी देखते हैं, उनमें भी ना के हुक्म ज्यादा है और हां के हुक्म थोड़े हैं। ना के बारे में ज्यादा क्यों बयान किया गया है, और आज भी यीशु के साथ जब बात की जा रही है हुक्मों के बारे में क्यों बयान किया गया है, आज की पहली तिलावत में भी हमने सुन लिया है। उन्हें वाज़ह तौर से बयान कर दिया गया है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी खुदा की तरफ से आया है वो खुदा की तरफ से अहकाम है। अब फकीह और फरीसी यीशु को जब फंसाने आए हैं, उसे पूछने आए हैं, तो यीशु ने जब उनका मुंह बंद कर दिया इस बात के साथ कि सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है, तो वो खामोश हो जाते हैं। पिछले इतवार की तिलावत में आपने सुना कि यीशु के पास वो दो लेकर आए कि खुदा का हिस्सा कौन सा है और इंसान का हिस्सा कौन सा है। वहां पर ही वो गुस्से में आ चुके हुए थे, उन्हें पता चल गया था कि अब और भी कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। यीशु ने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो खुदा का है वो खुदा को दो। अब कैसर और खुदा के जब उनने इम्तियाज किया है तो वो आज आपसे मेरे से भी यही सवाल करता है कि मैं खुदा का हिस्सा कितना रखता हूं और कैसर का हिस्सा कितना रखता हूं। कैसर पता है ना क्या हो सकता है, कैसर के बारे में पता है, थोड़ा सा तुक्का लगाओ, टैक्स, टैक्स देना बहुत जरूरी है। और ये टैक्स के बारे में जब बात की जा रही है तो पुराने अहकाम के मुताबिक, अगर आपको वाकया पता हो, जब भी यरूशलेम में लोग जाते थे और यरूशलेम में जैसे ही जाते थे तो बाहर टैक्स कलेक्टर्स भी बैठे थे और मनी एक्सचेंजर भी बैठे हुए थे, क्योंकि कानून यह था कि जिस कंट्री में जाना है उसी की कंट्री की करेंसी के मुताबिक उनको टैक्स पे करना है। अगर मैं अमेरिका जाता हूं तो वहां डॉलर के मुताबिक, और अगर मैं यूरोप कंट्री में जाता हूं तो यूरो के मुताबिक, लेकिन पाकिस्तान जाना तो रुपए के मुताबिक। तो हर कंट्री के मुताबिक उसको टैक्स देना बहुत जरूरी था। इसीलिए जब वो वहां पर यरूशलेम में जाते हैं तो उनसे भी यही सवाल किया गया कि हमें किसको क्या देना चाहिए, तो उसने कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास है दिखा दो। एक तरफ कैसर की तस्वीर है, दूसरी तरफ कोई भी तस्वीर नहीं थी, इसलिए उसने कहा कि जो कैसर का है कैसर को दो और जो खुदा का है
खुदा को दो। आज हम खुदा को कितना देते हैं? गल पैसों की नहीं हो रही। आज खुदा का हिस्सा, खुदा का वक्त है, खुदा का मौजूदा वक्त है, खुदा का मुकर्रा वक्त है, मेरे लिए उतना भी क्या है। अब यही बातें उनको भी चुभना शुरू हुई जब यीशु ने ये बातें कही, उनका मुंह बंद हो गया। अब उन्होंने दूसरा सवाल ये निकाला, क्या पूछते हैं कि बड़ा हुक्म कौन सा है? अगर ये उन 613 हुक्मों में से कोई बात करेगा तब भी पकड़ा जाएगा, और अगर ये मौजूदा मूसा ने जो हुक्म दिए उसमें से बात करेगा तब भी हम पकड़ लेंगे। तो यीशु ने सारे कहानी घुमा दी थी और ने कहा कि सबसे बड़ा हुक्म यही है कि तू अपने पड़ोसी को अपनी मानी प्यार कर, अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से और अपनी सारी अकल से। और अकल से हम काम नहीं करते, आपको याद पता है यार, अकल से हम काम नहीं करते, हम जज्बात से काम करते हैं। और हमारी जो हमारा जो प्यार का क्राइटेरिया है वो अकल का नहीं है, वो जज्बात का है। चाहे वो खानदानी जिंदगी में है, चाहे वो बहन भाइयों का है, चाहे वो रिश्तेदारों का है, चाहे वो मियां बीवी का है। इसीलिए आज यीशु ने तीन बातों को सामने रखा है, अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से और अपनी सारी अकल से प्यार करना है। आज ये सारे सवालिया निशान है कि असी प्यार का क्राइटेरिया की रखे है, अकल का रखे है, जहन दिल दे नाल रखे है या ताकत दे नाल। असी तिना नू काट के जज्बात दे विच पा दिता है, जिन्हों से इंग्लिश इमोशंस कहने हैं। ऐसे जज्बात कदी कदी तो बहुते हो जाते हैं, तो कदी कदी मुक्की जाते हैं। नाल घर ही बिल्कुल नाल वाला घर ही है, भैन नाल वाले घर च बैठी है, बूहे अगों नहीं लंघना, पिछे दी घूम के आ जाना तीन गलियां। इमोशंस अकल नहीं इस्तेमाल कर दे, लंघ जाएंगे तो खैर उन्हें कड़ा मैंने देखा दरवाजा तो बंद, पिछों घूम के आ जाना। वो इमोशन हमारे जज्बात है और उन जज्बातों पर हम खेल रहे हैं। अब अकल से भी प्यार नहीं हो रहा, पड़ोसी का क्राइटेरिया बदल दिया हमने, पड़ोसी के लिए हमने सोच ही बदल ली है। और सोच हमने क्या बदली है कि नहीं पड़ोसी तो ये जरा मेरा नाल आला है या मेरे घर आला है या मेरे रिश्तेदार मेरे पड़ोसी ने, नहीं, पड़ोसी वो जो आपका जरूरतमंद है, वो आपका बहन भाई भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके कोलीग्स भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। पड़ोसी का क्राइटेरिया भी बदल दिया, असी फकी फरीसियां नालों भी अगे चले गए हैं, उन्हें 365 613 दो और ज्यादा बना दिते। तो हमारा आज के दौर में यही सवाल है, मैंने पिछले इतवार की बात को भी आपके साथ रखा है और आज का भी, जो कैसर का है कैसर को भी नहीं दे रहे, जो खुदा का है खुदा को भी नहीं दे रहे, अकल दिल ताकत उससे भी प्यार नहीं कर रहे, जज्बात के साथ प्यार कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में जिस बात पर गौर खोज की जाती है वो यही है, पूरी दुनिया में जो आज के दौर पर बात की जा रही है वो इंसानियत के ऊपर बात की जा रही है। और जब इंसानियत की बात की जा रही है तो हर एक को यही तालीम दी जाती है कि अपने पड़ोसी को अपनी मानित प्यार करना है। कलाम पे जब बात रखवाते हैं निकाह के वक्त तो तब भी यही बात की जाती है। अगर कोई और गल हो गए जिन्हें निकाह का सैक्रामेंट लिया दूसरे सीख लेंगे, तकलीफ में दुख में परेशानी में किसी भी हाल में हो, किसी भी हाल में हो वफादार रहेंगे। और तब जब वफादारी की बात आती है फिर ऐवी गुम हो जाता है, ऐवी गुम हो जाता है, ताकत भी गुम हो जाती है, तो जज्बात शुरू हो जाते हैं। प्लीज आपसे दरखास्त है कि आज खुदा ने एक बार फिर सबको मौका दिया है, आपको भी मुझे भी, यकीनी तौर पर प्यार सब करते हैं, प्यार के क्राइटेरिया को डेवलप करना है, बढ़ाना है, उसे कमजोर नहीं करना। और कमजोरी कहां से शुरू होती है? आज हमारे अपने घरों से, हमारे अपने घरों से ही शुरू हो रहा है हर काम। वो कहते हैं ना, चैरिटी बिगन्स एट होम, नेकी के काम चैरिटी के काम घर से शुरू होते हैं। तो आजकल हर काम घर ही शुरू हो रहा है। अगर मोहब्बत नहीं बढ़ रही खानदानों में तो ये घर से शुरू हो रही, बाहरों नहीं कोई सिखा रहा। बाहर से अगर सीख रहे हैं तो बच्चों का अननेसेसरी फोन का इस्तेमाल है और कुछ नहीं है। और अगर वो हो रहा है तो वो भी हमारी अपनी वजह से, निके निके बच्चों ने शुरू ही करा देता है, उत्ते आंदे तक तो फिर बड़ा ही फोन होना, छोटा तो रहेगा नहीं।
क्योंकि बचपन से ही हम बच्चों को प्यार करना नहीं, बस उन्हें अलहदा रहना सिखा रहे हैं। और अलहदा रहना हम खुद सिखा रहे हैं, कोई और नहीं, बारहला नहीं सिखा रहा। बारहले ने तो अपनी इनकम करनी, उन्हें वीडियो बना पाई जानी है, उसी बच्चे ने बखाई जानी है। तो ये घर से हम कुछ शुरू कर रहे हैं। बच्चे से पूछ ले, कल मैं एक इलाके में गया, बच्चे से पूछा कि आपकी मम्मा कौन है, पापा कौन है। बाद बेबी शाकटू लगा कि फौरन फोन फाड़ के बह गए। ना मां की पहचान है, ना प्यो की पहचान है, पहचान है तो सिर्फ बेबी शाकटू की है। बेबी शाकटू उन्होंने पता जो अपने बच्चों को खाते हैं, पोएम है एक छोटी सी इंग्लिश में। यकीनी तौर पर बच्चों को कलर्स की पहचान करवानी है, बच्चों को सब कुछ सिखाना है, लेकिन उसमें सबसे पहले प्यार भी तो सिखाना है। पहले दौर से कहते सन बच्चे ने भुख लग भी मां पता चल जाता, ताज पता ही नहीं चल रहा, वो बेचारा रोंदा रहता है, अम्मा कहते पता नहीं की होया। क्यों होता है? ये वही है जो हमने सिखाना है। आज के दौर में यही कमजोरियां आ रही हैं हमने, और बाद में फिर ब्लेम किस पर जाता है? सानू को दस ही नहीं गया, हर संडे पैगाम होता है, खुदा का वक्त खुदा को देने के लिए आते हैं। अगर खुदा को वक्त देंगे, सीखेंगे भी, सिखाएंगे भी, इन छोटे छोटे बच्चों को लाएंगे, सीखेंगे ये लोग। लेकिन अपना अहम किरदार सबने अदा करना है। जो हमारा काम है हम करेंगे, जो वालदैन का काम है वालदैन करेंगे, जो बहन भाइयों का काम है वो बहन भाई करेंगे। तो आए हम भी खुदा से ये दुआ करें कि खुदा हम सबको अकल दे, जज्बात नहीं, हम सबको अकल दे, ताकि हम भी पूरी अकल के साथ अपने पड़ोसी को अपनी माने प्यार कर सके, मसीह हमारे खुदावन के वसीला से। आमीन।